ट्रेन दुर्घटना में मृतक बच्चों के परिवार से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट। मृतक बच्चों के परिजनों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। परिवार के अन्य 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करने की घोषणा की। घटना की जांच के आदेश दिए। रेलवे ट्रायल हादसे में मृत बच्चों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। कैबिनेट मंत्री सिलावट ने पीड़ित परिवार की 3 अन्य बच्चियों की शिक्षा का खर्च वहन करने की घोषणा की। वहीं रेलवे की जांच के अलावा इंदौर कलेक्टर को भी हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में नए रेलवे ट्रैक के निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के दौरान 2 बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के केलोद हाला कांकड़ में हुआ। यहां से विधायक व कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट मृत बच्चियों के परिवार से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने सांत्वना व्यक्त की। बता दें, भाजपा कार्यालय पर मीडिया से चर्चा करते हुए तुलसी सिलावट ने बताया कि अभी बच्चों के परिवार के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। जल्द ही सीएम से चर्चा के बाद यह राशि 4-4 लाख रुपए तक बढ़ाई जाएगी। सिलावट ने बच्चों के परिवारों की 3 अन्य बच्चियों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा भी की। साथ ही सरकार द्वारा पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। सिलावट ने यह भी कहा कि रेलवे की जाँच अपनी जगह, लेकिन उन्होंने जिला कलेक्टर को हाथ से ही अलग से जांच करने के आदेश दिए हैं। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी 2 बेटियां रेल के हादसे में हमसे बिछड़ गई। इस दुखद घटना को मेरे पास सहन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन परिवार की बेटी जो मजदूरी कर बेटियों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, वो 3 बेटियां ट्यूशन कर अपने भविष्य संवारने के लिए प्रतिदिन जाती थी, पर एक रेल आती है, 3 बेटियों 2 बेटियों का जीवन हमसे बिछड़ जाता है। जब ये मेरे संज्ञान में ये घटना आई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पर एक बात, जब मैंने केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री से बात की, इस संपूर्ण घटना की जांच हो, उन्होंने तुरंत इसके आदेश दिए और जांच होने के बाद जो भी व्यक्ति रेलवे का होगा उसमें दोषी पाया जाएगा, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मैंने इंदौर के जिलाधीश महोदय को निर्देशित किया है, वो भी जाँच कर रहे हैं। पर मैं जो 2 परिवार हैं, 2 बेटियाँ हमसे चली गई, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मैं चर्चा कर रहा हूं और देश के केंद्रीय मंत्री रेल विभाग पूरी की पूरी देश की और मध्य प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ है। हर दुख हर संकट में जो एक बेटी के 3 बहनें थी उनका शिक्षा का दावित हम उठाएंगे। अभी दोनों बेटियों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है और हमारा प्रयास है कि संबल योजना के माध्यम से उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दें। इसी प्रकार से दुखद एक पालियागंज 12वीं का विद्यार्थी ट्रैक्टर से टकरा गया, उसकी भी घटना है, उसके लिए भी पूरी सरकार मध्य प्रदेश की उसके साथ है। उस परिवार को भी इस संकट के बाद हम सब उनके साथ। रेलवे अधिकारी साढ़े 4 का कोचिंग है, तो हम 4:20 को निकल रहे थे घर से, और उधर से आते वक्त जैसे मैंने उन लोगों को आज इधर से आने का मना भी बोला था, लेकिन वो दोनों एक बर्थडे का रीज़न बता रही थी और एक के पैर में कुछ दर्द वर्द था, तो वो मना बोल रही थी कि लंबा पड़ जाएगा। तो हम लोग इधर से ही आ रहे थे, तो वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी, तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों, मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे। और फिर ट्रेन, मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज ट्रेन गई। और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले जो आसपास घर वाले थे, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नई ट्रेन की पटरी डली है तो शायद इस वजह से भी आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद में मैंने उन दोनों को आवाज़ भी दी लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा ध्यान इधर उधर होगा,
तो वो घर निकल गए होंगे। तो फिर मैं आधे रास्ते में मैंने पूछा कि वो है क्या घर, तो उन्होंने मना बोल दिया। फिर मैं कहाँ पर किससे पूछा था? वो एक था लड़का खड़ा हुआ, तो मैंने बोला कि घर पे देखो उसके, तो वो नहीं था, वो तो नहीं थी, वो भी नहीं गई थी घर पे। फिर मैं अकेली उनको ढूंढ रही थी, और फिर वो दीदी एक थे, उन्होंने भी देखा। फिर उसके बाद में मैंने उनको देखा, और मैं दौड़ती उसके घर गई, और उसके पापा को मैंने कुछ आपने उस समय क्या एकदम देखा? मतलब वो दोनों एक ट्रेन के पास ही गिरी थी, और एक उससे थोड़ी सी दूर गिरी थी। बाकी मैंने उनके पास जाके देखा नहीं, मुझे एकदम चक्कर जैसा भी हुआ, लेकिन मैंने सबको बुलाया और उसके घर पे भी गई। आपके ट्यूशन का टाइम कितने बजे था? 4:30 और रिटर्न कब आते वहाँ से? 6:00 कोचिंग तो क्लास आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है। कोई कोचिंग क्लास का नाम है? अचीवर्स कोचिंग क्लास। अचीवर्स ये कहाँ पर है? ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट तो डेली आप इतने बजे ही जाते आते हैं? कौन सी क्लास में है? रास्ता एक इधर से भी है, ये लेकिन गेट है ना अपना रेल फाटक। एक का नाम था बबली और एक का नाम था राधिका। कौन सी क्लास में थे ये? आपका नाम क्या है? साधना सर, वो अभी हमारे मामा ससुर की लड़की है, सर जी है। कौन सी क्लास में थे आप तीनों? 10th क्लास। तीनों 10th में थे? हाँ। आपका नाम क्या है? साधना। साधना।